अब जब चुनाव समीप दिखेंगे, लॉलीपॉप एक और पकड़ाया जाएगा इन लोगों को। एक और डायलॉग था ना, तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख, वही चल रहा है इन लोगों के साथ। अब कर देंगे, अब होने वाला है, अब कर देंगे, चुनाव के ठीक पहले कर देंगे, चुनाव के तुरंत बाद पहले कलम के हस्ताक्षर से कर देंगे। तो ये जितने भी है, नियोजित शिक्षक हो, छात्र हो, आंगनवाड़ी की महिलाएं हो, जितने, इन सबको सरकार के द्वारा सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में शिक्षा विभाग ने नई शिक्षक नियमावली बना दी है और ये नई शिक्षक नियमावली बनकर तैयार हो चुकी है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने अपने वेबसाइट पर नई शिक्षक नियमावली को अपलोड भी कर दिया है। देखिए, आपको मालूम है कि लगातार कई तरह की मांगे उठ रही थी। आपको मालूम है कि लगातार नियोजित शिक्षक ये मांग कर रहे थे कि सरकार उन्हें जल्द से जल्द राज्यकर्मी का दर्जा दे। और आपको मालूम है कि अब नई शिक्षक नियमावली बनकर तैयार हो गई है। उसमें साफ साफ कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों को एक सक्षमता परीक्षा देनी होगी और उसके बाद ही उन्हें विशिष्ट शिक्षक का रुतबा और दर्जा दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि आज इसको लेकर LJPR के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी बहुत कुछ बोला है। आपको बता दें कि आज चिराग पासवान भी नियोजित शिक्षकों के समर्थन में उतर गए थे और बहुत कुछ बोल दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं LJPR के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, एक बार आप वो सुनिए। जब चुनाव समीप दिखेंगे, लॉलीपॉप एक और पकड़ाया जाएगा इन लोगों को, और बार बार ये पकड़ाया जाएगा। और ये कोई नई बात नहीं है भैया, हम लोग आज का ये मामला है। कितना साल हो गया इसको, 15 साल से ये मामला चल रहा है। तब से लेकर अभी तक सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन पे आश्वासन पे आश्वासन। एक और डायलॉग था ना, तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख, वही चल रहा है इन लोगों के साथ। अब कर देंगे, अब होने वाला है, अब कर देंगे, चुनाव के ठीक पहले कर देंगे, चुनाव के तुरंत बाद पहले कलम के हस्ताक्षर से कर देंगे। ये तमाम बातें की जाती, इस्तेमाल किया जाता। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे आंगनवाड़ी की महिलाओं के साथ, सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। किस चीज में नहीं आपने इस्तेमाल किया, मतलब बच्चे के जन्म से लेकर उसके पहले से लेकर उसके छोटी छोटी दवा से लेकर छोटी से छोटी कोई विध होती है उस तक में उनका इस्तेमाल किया जाता है, और बदले में क्या दिया जा रहा है और क्या कर रही है राज्य सरकार इसको लेकर। तो ये जितने भी है, नियोजित शिक्षक हो, छात्र हो, आंगनवाड़ी की महिलाएं हो, जितने, इन सबको सरकार के द्वारा सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। पेपर लीक एक के बाद एक हो रहा है कि नहीं, क्या कर रही है राज्य सरकार, जातीय जनगणना, जाति में प्रदेश को बांटने का काम कर रही है। प्रदेश में कैसे उत्पाद इसको लेकर उत्पन्न हो उसका राज्य सरकार इस्तेमाल कर, उसका प्रयास कर रही है। और एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे, कोई बात नहीं कर रहा, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि बच्चों का भविष्य बर्बाद होता जा रहा है। भाई, एक बार हो जाता है गलती से पेपर लीक, दो बार हो जाता है, यहां तो एग्जाम बाद में अनाउंस होता है, उसका पेपर पहले लीक होने लग जाता है। ये तो हाल इन्होंने बिहार का बना के रख दिया। तो ऐसे में जो नियोजित शिक्षकों का मामला आपने उठाया, ये सिर्फ एक लॉलीपॉप और कुछ नहीं। तो देखा आपने कि जिस तरह से आज चिराग पासवान भी नियोजित शिक्षकों के समर्थन में उतर गए थे, बहुत कुछ कहा है और साफ साफ कह दिया है कि जैसे जैसे चुनाव और करीब आएगा वैसे वैसे सरकार इस तरह के लॉलीपॉप देते रहेगी। और देखिए क्या कुछ कहा है, आपने ये भी देखा है, आपको मालूम है कि लगातार नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी के दर्जा देने की मांग कर रहे थे। आपने देखा था कि किस तरह से उन्होंने आंदोलन किया था और लगातार वो मांग कर रहे थे कि उन्हें उनका हक मिलना ही चाहिए। और कल एक बड़ी खबर आती है कि शिक्षा विभाग ने नई शिक्षक नियमावली बनाकर तैयार कर दी है और उसके बाद आज LJPR के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सीरीज। बहुत शुक्रिया।